जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री वल्लभा आदि श्री की जय। आज मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा मंगलवार 1 दिसंबर 2020 है। आज से व्रतचर्या एवं गोप मास का प्रारंभ होता है। ब्रज में कार्तिक मार्गशीर्ष एवं पौष मास श्री ललिता जी की सेवा के मास है। माघ फाल्गुन एवं चैत्र मास श्री चंद्रावली जी की सेवा के मास है। वैशाख ज्येष्ठ एवं अषाढ़ मास श्री यमुना जी की सेवा के मास है। इसी प्रकार श्रावण भाद्रपद एवं आश्वनी मास श्री राधिका जी श्री स्वामिनी जी की सेवा के मास है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में इस मास अर्थात मार्गशीर्ष मास की श्रेष्ठता के संदर्भ में कहा है, मासा नाम मार्गशीर्षो हम। श्री ललिता जी की सेवा का यह दूसरा मास है। इस संदर्भ में कार्तिक मास में अन्नकूटोत्सव हुआ था। इस मास में गोप मास के भाव से विविध सेवा सामग्रियां एवं उत्सव होते हैं। इस मास में कई गोस्वामी बालकों का प्राकट्योत्सव एवं भागवत स्वरूपात्मक होने से यह मास वैष्णव संप्रदाय में भी उत्तम मास माना गया है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर श्री जी में नियम का 56 भोग अर्थात घर का 56 भोग महोत्सव होता है। मार्गशीर्ष एवं पौष मास में हेमंत ऋतु होने से शीतकालीन सेवा में प्रभु सुखार्थ विविध नूतन पौष्टिक सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जाती है और प्रभु को जड़ाऊ श्रृंगार धराए जाते हैं। कीर्तन भी खंडिता हिलग मिशांतर मान व्रतचर्या शीतकालीन चित्रसारी रंगमहल आदि के गाए जाते हैं। वस्त्रों में रुई वाले दग्गल फतवी बंधे बंद के वागा आदि धराए जाते हैं। मार्गशीर्ष अर्थात गोप मास और पौष अर्थात धनुर्मास अधिक सर्दी वाले मास है, अतः देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन से बसंत पंचमी तक पुष्टि स्वरूप निज मंदिर के बाहर नहीं पधारते। श्री नवनीत प्रिया जी आदि जो स्वरूप पलना में झूलते हैं, उनके पलना के दर्शन भी निज मंदिर में ही होते हैं। आज श्रीनाथ जी को नियम के पतंगी गहरे लाल रंग के साटन के वस्त्र और मोर चंद्रिका धराई जाती है। लाल रंग अनुराग का रंग है। श्री ललिता जी का स्वरूप अनुराग के रंग का है। आज से श्रीनाथ जी सम्मुख व्रतचर्या के पद गाए जाते हैं। गोपिकाओं के अनुराग का प्रारंभ भी आज से ही होने से आज लाल रंग के वस्त्र धराए जाते हैं। गोप कन्याएं व्रजराज की निष्काम भक्त हैं और उनके प्रतीक के रूप में आज के वस्त्रों में सुनहरी पुष्प है। ये ब्रज भक्त बालाएँ श्री स्वामिनी जी की कृपा से प्रभु सेवा में अंगीकृत हुई थी, अतः उनके यश स्वरूप ठाड़े वस्त्र आज स्वामिनी जी के भाव से श्वेत रंग के धराए जाते हैं। आज सारे दिन की सेवा श्री ललिता जी के भाव की है, जिससे श्री ललिता जी के स्वरूप और श्रृंगार के भाव से प्रभु के श्रृंगार होते हैं। गोप मास का आरंभ होने से श्रीनाथ जी को आज विशेष रूप से गोपी वल्लभ भोग में मनोर के अर्थात इलायची और जलेबी के लड्डू अरोगाए जाते हैं। आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में आज लाल साटन की सुनहरी जरी के जर्दू जी के जायफल के बेल वाली एवं हरे रंग के हाशिया वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया और चरण चौकी पर श्वेत बिछावट की जाती है। चरण चौकी पड़गा चारी जी बंटा जी आदि साज चढ़ाऊ सोने के आते हैं। आज की वस्त्र सेवा में प्रभु श्री वल्लभादीश को आज पतंग की अर्थात गहरे लाल रंग की साटन का सुनहरी जरी की बूटी के काम वाले और रुपैली जरी की तुई रेस की किनारी से सुसज्जित चोली घेरदार वागा एवं सूथन धराए जाते हैं। लाल एवं सफ़ेद रंग के मोजाजी धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र आज सफ़ेद लट्ठा के धराए जाते हैं। आभरण श्रृंगार सेवा में श्री गोवर्धन धरण प्रभु को आज छोटा अर्थात कमर तक का 4 माला का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। सर्व आभरण आज पन्ना एवं सोने के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर पतंगी साटन की सुनहरी जरी की बूटी वाले चीरा के ऊपर सिर पेच मोर पंख की सादी चंद्रिका
और शीश फूल धराए जाते हैं। प्रभु जी के श्रीकंठ में आज रंग बिरंगे पुष्पों की एवं पीले पुष्पों की कलात्मक थाग वाली माला जी धराई जाती है। श्री जी के श्रीहस्त में हरे मीना के वेणु जी एवं एक वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पटलाल और गोटी सोने की आती है। आरसी श्रृंगार में सोने की एवं राजभोग में पटदार दिखाई जाती है। चोरसा शाम शुरू का आता है। संध्या आरती उपरांत श्रीमस्तक व श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर दिए जाते हैं, त्रवल बड़े नहीं किए जाते हैं और श्रीमस्तक पर सुनहरी लोम तुर्रा धराए जाते हैं। आज की राग सेवा, आज के कीर्तनों की चर्चा करते हैं। मंगला दर्शन में कीर्तन ब्रजानंद कंदम और राजभोग में आए जू अरसाने सरसाने का गान होता है। आरती में सुन मुरली की टेर तथा शयन में ए सिर सोने सुतन सोहत का गायन होता है। जबकि मान के कीर्तन में लालर मनायो न मानत और पौड़वे के कीर्तन में है लागत है अतिशीत का प्रभु के सम्मुख गायन होता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।